हेलो दोस्तों, हम इंसान जगह जगह खुदाई करते हैं। कभी कभी खुदाई का मकसद होता है नई बिल्डिंग या घरों को बनाना। वहीं कभी कभी खुदाई का मकसद होता है इंसानी इतिहास से पर्दा उठाने वाले एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को या फिर एंशियंट एनिमल्स की हड्डियों को ढूंढना। दोनों ही कंडीशंस में हमें कभी कभी जमीन के नीचे अद्भुत चीजें मिलती हैं। कुछ के बारे में तो हम आसानी से जान लेते हैं, वहीं कुछ एंशियंट चीजें तो इतनी हैरान करने वाली होती हैं कि उन्हें देखकर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के होश ही उड़ जाते हैं। और उनकी क्या हिस्ट्री रही होगी, ये बात साइंटिस्ट कभी नहीं समझ पाते। तो चलिए आज की वीडियो में ऐसी कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 10 अद्भुत खोजें जिनका रहस्य अब भी नहीं सुलझा। नंबर 10, फ्रांस का एंशियंट सिविलाइजेशन। 1924 की बात है जब एमिल फ्रीडन नाम के एक किसान ने अपने खेत में खुदाई के दौरान एक बड़ा सा अंडरग्राउंड चैम्बर ढूंढ निकाला। और इस चैम्बर के अंदर बहुत ही अजीब अजीब से पुराने ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे मास, स्टैचू, इंसानी कंकाल और कुछ मिट्टी के टैबलेट्स जिन पर अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। कुछ लोगों के मुताबिक ये चीजें हजारों साल पहले के फ्रांस में बसने वाले एक सिविलाइजेशन की हैं और ये उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसे प्री फिनिशियन लैंग्वेज कहा जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस खोज को करने के बाद इस फार्मर को 1927 में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने फ्रॉड किया था। इन चीजों को खुद से ही बनाकर उसने अपने खेत में दफना दिया था ताकि वो अमीर बन सके, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया गया। पर उस पर जुर्म साबित नहीं हो सका और उसके खेत में मिले कुछ ऑब्जेक्ट्स 2000 साल पुराने निकले, लेकिन ये लैंग्वेज 2000 साल पुरानी नहीं लग रही। इसीलिए ये रहस्य अब भी नहीं सुलझ पाया कि वो किसान सच्चा था या फिर झूठा। नंबर 9, थॉर्न बोरो हेंजेस। इन पत्थरों के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा होगा या इन्हें देखा भी होगा। ये है स्टोन हेंज, इंग्लैंड की बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल साइट। लेकिन इसी तरह थॉर्न बोरो हेंज भी इंग्लैंड में है, जो ज्यादा टूरिस्ट भले ही ना अट्रैक्ट कर पाते हो, पर ये भी बेहद रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये अजीब से सर्कल इंग्लैंड के थॉर्न बोरो विलेज के नजदीक बने हुए हैं। ये टोटल 3 सर्कल्स हैं, 750 फीट डायमीटर के ये बड़े से सर्कल्स हैं। इन्हें आज से लगभग 6000 साल पहले बनाया गया था। इन तीनों हिंजेस को एकदम परफेक्टली ओरियंस बेल्ट के स्टार्स की दिशा में बनाया गया है। अजीब बात यह है कि इन्हीं स्टार्स की पोजीशन में गीजा के पिरामिड्स को भी अरेंज किया गया है। ये काफी अजीब हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, पर ये क्यों है और ये क्या है, ये बात हम आज भी नहीं जान पाए। नंबर 8, जायंट टेम्पल्स। ये भी काफी रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल साइट है जो माल्टा में है। ये टेम्पल्स हैं जिन्हें गांटिया टेम्पल्स कहा जाता है और ये इतिहास की दूसरी सबसे पुरानी धार्मिक जगह है। पहली सबसे पुरानी धार्मिक जगह तो तुर्की में है, जिसका नाम है गो ब्लैकी टेपी। ये पत्थरों से बनी बिल्डिंग लगभग 5600 साल पुरानी है। माल्टा के लोगों का मानना है कि बेहद बड़े इंसानों यानी जायंट्स की एक नस्ल पहले यहाँ रहती थी और ये टेम्पल्स उन्हीं लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि इन्हें जायंट लोगों ने बनाया है। यहाँ पर जो घर बने हैं वो भी काफी लंबे चौड़े इंसानों के लिए बने हैं, लेकिन अचानक ये लोग खत्म हो गए और अब उनके निशान यहाँ इन टेम्पल्स और घरों के रूप में मौजूद हैं। कुछ मंदिर तो 20 फीट ऊंचे हैं, यानी उन्हें ऐसे लोगों ने बनाया है जो आज के नॉर्मल इंसान से लगभग दोगुने बड़े थे। साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज हैं कि उस दौर में यहाँ कितने बड़े लोग रहते थे। नंबर 7, बेहद बड़ी तलवार। हथियार हम वैसे ही बनाते हैं जिनका हम यूज कर सकें। अपने साइज के अकॉर्डिंग और अपनी ताकत के अकॉर्डिंग ही हम बड़े और घातक हथियार बनाते हैं। लेकिन अगर आपकी तलवार इतनी बड़ी हो कि आप उसे मैदान में चलाना तो दूर उठा ही ना पाए, तो फिर ऐसी तलवार बनवाएगा कौन और ऐसी तलवार बनाकर जंग में जाएगा कौन। ऐसी एक तलवार है जिसका नाम है नोरा मित्सु अदाची। ये तलवार नॉर्मल तलवारों से काफी बड़ी है और ये एक जापानीज तलवार है। 15 फीट लंबी इस तलवार से दुश्मन को दूर से ही मारा जा सकता था, लेकिन सवाल ये है कि इसे चलाता कौन होगा। गांटिया टेम्पल्स की तरह ये तलवार भी लगता है किन्हीं जायंट वॉरियर्स के लिए बनाई गई थी जो जापान में रहा करते थे। नंबर 6, नुकु हीवा स्टैचूज। ये स्टैचू फ्रेंच पॉलिनेशियन आइलैंड पर बने हैं। इन स्टैचूज की अजीब बात यह है कि ये देखने में रोबोट्स की तरह लगते हैं, यानी लगता है कि ये किसी रोबोट के स्टैचू हैं। वहीं कुछ स्टैचूज के सर रेप्टाइल्स की तरह हैं, जो देखने में एलियंस की तरह लगते हैं। तो जितना आज साइंटिस्टों को पता है उसके मुताबिक नुकु हीवा आइलैंड पर पहली बार इंसान 2000 साल पहले रहने आए थे, पर यहाँ बने स्टैचूज उस वक्त के कल्चर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। ये स्टैचू देख
देखने में काफी अजीब लगते हैं। लोगों का मानना है कि या तो उस वक्त के लोग रेप्टाइल्स की पूजा करते थे या फिर उन्होंने वहाँ एलियंस को देखा है और उनके स्टैचू यहाँ बनाए गए हैं। इन स्टैचूज का रहस्य आज तक सॉल्व नहीं हो सका है। नंबर 5, लालीबेला चर्चेस। इथियोपिया में बने ये चर्च काफी बड़े और काफी खूबसूरत हैं। इन्हें उस दौर में कैसे बनाया गया यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उस वक्त इस तरह की बिल्डिंग्स को बनाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लालीबेला के ये चर्च इतने बड़े और मजबूत हैं और देखने में ये एकदम आजकल की मॉडर्न बिल्डिंग्स की तरह लगते हैं। एक खास बात और है, इन चर्चेस को ईंटों से नहीं बनाया गया बल्कि केवल एक बड़ी चट्टान को काट कर बनाया गया है। सोचिए कैसे उस मजबूत चट्टान को इतनी परफेक्टली काटा गया होगा। ये चर्च इतनी परफेक्टली बने हैं कि सूरज की रोशनी हर होल्स से होते हुए अंदर तक पहुंच जाती है, लेकिन बारिश का पानी होल्स तक पहुंचने से पहले ही बह जाता है। हर चर्च एक दूसरे से अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है। उस वक्त के टूल्स ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के काबिल नहीं थे, तो फिर ऐसा कैसे किया गया यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर कोई नहीं जानता। नंबर 4, अमेजोनिया स्टोनहेंज। अमेजोन का रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट होने के साथ ही बेहद घना भी है, तो इस जंगल को एक्सप्लोर करना अपने आप में काफी कठिन टास्क है। इसीलिए हम 2005 तक ब्राजील के अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मौजूद इंग्लैंड के स्टोनहेंज की तरह के पत्थरों को नहीं ढूंढ पाए थे। 2005 में इन्हें ढूंढा गया। इन्हें पार्के आर्कियोलॉजिकल डोसिस टीसीओ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सोल्स्टाइस आर्कियोलॉजिकल पार्क। यहाँ पर मौजूद पत्थर भी इंग्लैंड के स्टोनहेंज से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। यहाँ ग्रेनाइट पत्थरों के 127 ब्लॉक्स मिले हैं जो काफी केयरफुली यहाँ अरेंज किए गए हैं। इन सभी पत्थरों से मिलकर एक सर्किल बना है जिसका डायमीटर 100 फीट है। जब आज तक हम इंग्लैंड के स्टोनहेंज को बनाने का मकसद नहीं जान पाए, तो फिर ब्राजील के इन पत्थरों के रहस्य को भी जानना काफी मुश्किल ही लग रहा है। इनको बनाने का मकसद किसी सेरेमनी के लिए होगा, या फिर यहाँ किसी को दफन किया गया होगा, या फिर शायद ये एस्ट्रोनॉमी के लिए बनाए गए होंगे, पर एग्जैक्ट आंसर फिलहाल हमें नहीं पता है। इन्हें ट्रॉपिकल स्टोनहेंज भी कहा जाता है। नंबर 3, बुद्धिस्ट स्तूप। अफगानिस्तान में कुछ बुद्धिस्ट साइट्स मौजूद हैं। उन्हीं में से एक और दुनिया के सबसे पुराने बुद्धिस्ट स्तूप में से एक है तख्त रुस्तम स्तूप। ये स्तूप भी इथियोपिया के चर्चों की तरह डायरेक्टली चट्टान को काट कर बनाया गया है, और ये इतने अच्छे से बना है कि देखने में लगता ही नहीं कि इसे हजारों साल पहले बनाया गया है। इस स्तूप में नीचे की तरफ गुफाएं बनाई गई हैं जो मठ हैं, और इनमें छोटे छोटे सर्कल से रोशनी आया करती थी। नंबर 2, जियोग्लिफ। जियोग्लिफ एक तरह की डिजाइन होती है जिन्हें जमीन में बनाया जाता है। इन्हें पेड़ों से, पत्थरों से या फिर कंकड़ों से बनाया जाता है। रशिया में 2011 में मिली दुनिया की सबसे पुरानी जियोग्लिफ साइंटिस्टों को बेहद कंफ्यूज किए हुए है। ये जियोग्लिफ देखने में किसी जानवर की तरह लगती है। ये एल्क की डिजाइन लगती है, और ये रशिया की ज़ियोरत्कुल माउंटेन्स के पास बनी हुई है। इसे बनाने के लिए बड़े छोटे पत्थरों का यूज किया गया, और इसे लगभग 600 साल पहले बनाया गया होगा। 900 फीट लंबी इस डिजाइन को उस वक्त बनाना काफी चुनौतीपूर्ण टास्क रहा होगा। ऊपर से इस डिजाइन को देखने के लिए तो ऊंचाई पर जाना पड़ता होगा, यानी उड़ना पड़ेगा, तभी ये सही से दिखाई देगी। यहाँ मिले टूल्स से पता चला है कि इन्हें बनाने का काम छोटे छोटे बच्चों ने किया है, तो इन्हें बनाने का, इतनी मेहनत करने का क्या मकसद था ये हमें अभी नहीं पता चल सका। नंबर 1, लेबर लिन टीएस। ये प्राचीन इट्रस्कन लैंग्वेज का अब तक मिला सबसे पुराना एग्जाम्पल है। ये एक 2250 साल पुरानी इजिप्शियन ममी में लिपटा हुआ मिला था। अजीब बात यह है कि जिस ममी से लिपटी हुई ये लैंग्वेज मिली वो ममी एक इजिप्शियन वुमेन की थी, और जितना साइंटिस्ट जानते हैं इस वुमेन के इट्रस्कन लोगों से किसी भी तरह के संबंध होने के कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिल सके हैं। पहले इस ममी का एक प्राइवेट ओनर था, लेकिन 1859 में उसकी डेथ हो गई और ये क्रोएशियन म्यूजियम में मौजूद है, और फिर इसे क्रोएशियन म्यूजियम में दान कर दिया गया। आज तक हम इंसान किसी भी इट्रस्कन लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर सके हैं, इसीलिए हमें इस लैंग्वेज में क्या मैसेज दिया गया है इसका अभी तक पता नहीं चल सका है, और साइंटिस्ट आज तक ये नहीं समझ सके हैं कि आखिर क्यों एक अमीर इजिप्शियन वुमेन को प्राचीन इट्रस्कन लैंग्वेज में लिखी हुई पट्टियों से कवर करके दफनाया गया था। क्योंकि इट्रस्कन से उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हो सकता है कि उस वक्त कोई कपड़े अवेलेबल ना हो इसीलिए इनका यूज किया गया हो। पर जो भी हो, ये ममीज भी काफी रहस्यमयी होती हैं। अरे अरे, अभी कहीं मत जाइए, अभी तो बोनस फैक्ट बाकी है। तो बोनस फैक्ट है सेरो सेक्शन। ये पेरू देश के सेक्शन बाहो आर्कियोलॉजिकल साइट का हिस्सा है। आर्कियोलॉजिस्ट आज तक नहीं जान पाए हैं कि इन चीजों को क्यों बनाया गया था।
और इन्हें किसने बनाया था, इनके बनाने के पीछे का मकसद क्या था। लेकिन यहाँ पर तराश कर बनाई गई पेंटिंग्स से हमें काफी शॉकिंग बातें जानने को मिलती हैं। यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उसमें इंसानों की बॉडी को बुरी तरह काटा पीटा दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि इस जगह को लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इसे बनने के लगभग 500 साल तक इसका यूज नहीं किया गया। यहाँ पर केवल कुछ सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती थी, लेकिन यह केवल एक अंदाजा है जो आर्कियोलॉजिस्ट लगा रहे हैं। ये हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि ऐसी कौन सी सेरेमनी थी जो कटे हुए इंसानों की पेंटिंग से पास की जाती थी। क्या यहाँ पर भी किसी की बलि दी जाती थी या फिर यहाँ पर किसी को सजा दी जाती थी। यहाँ पर बनी कुछ पेंटिंग्स वॉरियर्स की हैं जो अपने दुश्मनों को काट रहे हैं। तो ऐसी अजीब पेंटिंग्स बनाने का मकसद आज तक हम नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल अल्फा टॉक्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर ज्यादातर वीडियोस साइंस और स्पेस से रिलेटेड आएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।